तो गाइस आपने थंबल तो जरूर देख लिया होगा कि हमने थंबल में किस तरीके से जो है रॉकेट और चकरी को कॉम्बिनेशन किया है और अनार और चकरी को कॉम्बिनेशन किया। तो गाइस हमने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अनार और चकरी को कुछ इस तरीके से चिपका दिया है और हमने यहाँ पे देखिए रॉकेट और चकरी को एक साथ लगा दिया। तो गाइस अब क्या करने वाले हैं इनकी हम टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या चकरी के साथ अनार का किस तरीके का रिएक्शन होने वाला है और रॉकेट के साथ किस तरीके का रिएक्शन होगा। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, तो चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम दिखा दें आपको कि किस तरीके से जो है काम करने वाला है। तो चलिए गाइस अब हम जो है इस चकरी और अनार के कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं और इसमें लगाते हैं आग और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो गाइस चलिए इसका जो है अनार का वेट ज़्यादा होने से चकरी जो है थोड़ी मात्रा में हल्की फुल्की जो है घूमी है। तो गाइस देखिए घूमी है, काफ़ी अच्छी घूमी है। जो है किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गर्म पड़ चुकी है गाइस, लेकिन जो है चिपकाई थी हमने वो नहीं छूटी। चलिए अब करते हैं इसका ट्राई। चलिए इसमें लगाते हैं आज ये अब इसमें लगाते हैं आग, क्योंकि रॉकेट तो सीधा भागता है आपको ही पता है और चकरी जो है राउंड करती है। अब देखते हैं राउंड करेगी या हवा में उड़ेगी। अब देखते हैं ट्राई करेंगे। रॉकेट से जो है काम ही नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस रॉकेट बिल्कुल भी काम नहीं किया है। रॉकेट बिल्कुल भी नहीं चल पाया है चकरी के आगे। चकरी इतनी स्पीड से घूमी जो कि रॉकेट बिल्कुल भी नहीं घूम पाया। हो सकता है रॉकेट छोटा होने के कारण राउंड नहीं, मतलब हवा में नहीं जा पाया, और चकरी तो बहुत स्पीड से जो है राउंड की गई। तो आज समझ सकते हैं कि चकरी और रॉकेट की कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। रॉकेट बड़ा होता तो रॉकेट जो है आसमान में होता। तो गाइस आई होप के पसंद आ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।